हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी फ्रॉक। तो ये बचा हुआ फैब्रिक था, तो उसी फैब्रिक से मैं बनाऊंगी। तो ये हाफ मीटर से भी बहुत ही कम था फैब्रिक, तो उसी फैब्रिक को मैं पहले टॉप पार्ट कटिंग करूँगी, उसके बाद जो नीचे का पार्ट है वो कटिंग करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। ऊपर का टॉप पार्ट के लिए मैंने लेंथ रखा है 6.5 इंच रखा है ऊपर का जो टॉप पार्ट होगा उसका लेंथ। उसके बाद मैंने कटिंग कर लिया है, तो 4 फोल्ड में रखा है। और नेक के लिए मैंने लिया है 2.5 इंच, और नेक का डीप लिया है 2.5 इंच। अभी बॉक्स की तरह बना लिया है और गुलाई का शेप दे दिया है। और जो शोल्डर है वो लिया है मैंने 2 इंच, और उसका लंबाई लिया है मैंने 3 इंच। इसमें भी मैं गुलाई का शेप दे दूंगी। तो मैंने इस तरह से जो शेप है शेप दे दिया है शोल्डर को। जो शोल्डर है वो मैंने 1 इंच रखते हुए इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, तो मेरा जो टॉप पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, ये आप लोग देख सकते हो। और ये है नीचे का जो प्लेट वाला पार्ट होगा वो। तो जितना भी बचे हुए फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और उसका चौड़ाई था 7.5 इंच लिया है मैंने। और लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हो, मतलब छोटे छोटे प्लेट डालना है सिर्फ। तो मैं अभी प्लेट डालूंगी छोटी छोटी। ये मैंने छोटी छोटी प्लेट डाल रही हूँ। और ये जो फ्रॉक है बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो फ्रॉक है वो 6, 7, 8, 9, 10 मंथ तक चल जाएगी। आप लोग भी इस तरह से फ्रॉक बना सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगता है देखने में। तो जो नीचे मैंने प्लेट डाला था और ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो मैंने इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। तो साइड से थोड़ा सा प्लेट वाला जो फैब्रिक है वो बचा गया था, वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो टॉप पार्ट के साथ मैं नीचे का पार्ट इस तरह से जॉइन कर लिया है। तो दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और जो नीचे का पार्ट है उसमें मैंने और एक लेयर दे दूंगी, छोटा छोटा करते हुए प्लेट डाल दूंगी नीचे। नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, ये रेड कलर का, रेड नहीं मेरून कलर का। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है मेरून कलर का, उसका चौड़ाई था 3 इंच। तो मैंने इसे भी छोटा छोटा प्लेट डाल तो इस तरह से सिलाई कर लिया है, एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ सिर्फ, जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसके किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो किनारे किनारे पे सिलाई डालना हो गया है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं ऊपर जो शोल्डर है शोल्डर के ऊपर मैं डिजाइन करूँगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। अभी डोरी बनाऊँगी, तो डोरी के लिए मैंने इस तरह से साइड से थोड़ा सा रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से 4 डोरी हमको लगेगा, एक साइड में 2 और एक साइड में 2, इसलिए हमें 4 डोरी लगेगा। और जो सुई धागे होता है उसकी मदद से मैंने जो फैब्रिक है वो उल्टा भी कर लिया है। तो इस तरह से 4 लगेंगे, आप लोग देख सकती हो। अभी जिस तरह से लटकन बनाती हूँ, तो लटकन की तरह इस तरह से बनाते हुए फैब्रिक में लगा दूंगी। जिस तरह से ब्लाउज में लटकन बनाती है इसी तरह से मैं बना रही हूँ।
तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसी तरह से बना लिया है। इस तरह से सिलाई करते हैं, उसके बाद उल्टा कर लेंगे तो डोरी रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से डोरी को रेडी कर लिया है। अभी एक एक करके मैं लगाऊंगी इसको। इस तरह से थोड़ा सा किनारे पर रखना है और सिलाई कर देना है। तो दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। मतलब जो फ्रॉक है, फ्रॉक का जो दो पार्ट होता है ना, दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अस्तर का फैब्रिक रह गया था, जो मैंने ब्लाउज सिलाई किया था उसका अस्तर का फैब्रिक रह गया था, तो वही मैंने सीधा करते हुए काट किया है। मतलब कम था फैब्रिक तो मैंने उड़ेप काट नहीं किया, सीधा काट किया था, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ ताकि जब उसको उल्टा करूँगी उल्टाने में कोई दिक्कत ना हो, नेक का फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है इसमें सिलाई किया है, मेन फैब्रिक पे नहीं। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और मेरी YouTube चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से जो ऊपर का डोरी है वो लगा दिया है। अभी दोनों पार्ट मिलाते हुए किनारे से सिलाई कर लूँगी। और ये जो बेबी फ्रॉक है बहुत ही सिंपल है एंड आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह से फ्रॉक, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये 6 मंथ से 10 मंथ तक जो बच्चे है वो पहन सकती है। तो दोनों साइडों में मैंने सिलाई कर दिया है। अभी मैं उसको उल्टा कर लिया है और अभी देख सकते हैं उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये गर्मी में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी है। ये कॉटन का फैब्रिक से मैंने बनाया हुआ था, जितना बचा हुआ फैब्रिक था ना उसी से मैंने बनाया हुआ है। तो ये है फुल लुक। और आप लोगों को कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।